सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में सबके घर साग ना बने ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे घर पे दो तीन बार बन चुका है। आज फिर मैं जा रही हूँ साग बनाने। मैं कैसे बनाती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, उसको गर्म होते ही मैंने इसमें सरसों का तेल डाला और ये साग इतना यमी बना था कि लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। फिर मैंने लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया एकदम बारीक। फिर मैंने कढ़ाई में जीरा सिर्फ फ़ोरन दिया, हमारे यहाँ फ़ोरन कहते हैं। फिर मैंने अपना लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट है वो डाला और इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई किया, मतलब थोड़ा सा रेड होने तक भून लिया। आपको पता है जितना फ्रेश साग होगा ना, मतलब उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठंडियों में मुझे लगता है सबके घर पे बनता होगा। और यहाँ ये सारे साग को ना बहुत अच्छे से वॉश किया, क्योंकि थोड़ा भी अगर कम आप अच्छे से वॉश करोगे ना तो किन-किन रह जाता है। और उसके बाद ये सारे साग को एक में ही मिक्स कर दिया था, पालक बथुआ और सरसों सारी चीज़ें, हल्दी नमक डाला और बस मेरा साग बनके तैयार हो गया।